press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा आईपीएल 2019 के पहले मैच के बारे में, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच है। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि चेन्नई के पास एमएस धोनी जैसे कैप्टन है। अगर हम दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर खेलने जा रही है। अगर हम देखें तो चेन्नई के फैंस टीम के लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रैक्टिस मैच में कितने दर्शक आए थे और चेन्नई की पिच भी स्पिन को हेल्प करती है। ये सभी चीजें चेन्नई के पक्ष में जाता है। अगर हम देखें तो बेंगलोर की बैटिंग बहुत अच्छी है, उसमें विराट कोहली, एवी डिविलियर्स और सिमरन हिटमायर जैसे बल्लेबाज हैं। अगर इसमें से कोई भी 10 से 15 ओवर खेलता है तो चेन्नई के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर बेंगलोर पेस बॉलिंग अच्छा करती है तो बेंगलोर मैच जीत सकती है। अगर हम दोनों टीम के कैप्टन की तुलना करें तो एमएस धोनी से अच्छा कैप्टन कोई है ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो विराट की टीम भी काफी अच्छी है। पर समस्या यह है कि उनकी टीम पूरी तरह विराट कोहली और एवी डिविलियर्स पर निर्भर रहती है। अगर ऐसा रहा तो आरसीबी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बात करें दोनों टीमों की बैटिंग की, तो आरसीबी में विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, सिमरन हिटमायर, मोइन अली हैं। वहीं चेन्नई में रायडू, वाटसन, धोनी और सैम बिलिंग जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग की बात करें तो दोनों ही टीम अच्छी है, कोई कम नहीं है। अगर हम दोनों टीमों की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो आरसीबी में टीम सौथी, मोहम्मद सिराज और चहल जैसे बॉलर हैं, और वहीं चेन्नई में मोहित शर्मा, हरभजन सिंह और ब्रेवो जैसे अच्छे बॉलर हैं। अगर हम बॉलिंग यूनिट को कंपेयर करें तो दोनों ही टीम अच्छी दिख रही है। अगर हम बॉलिंग यूनिट को कंपेयर करें तो चेन्नई ज़्यादा मजबूत दिख रही है। अगर हम देखें तो दोनों ही टीम लाजवाब है, पर बेंगलोर का पिछला रिकॉर्ड चेन्नई के खिलाफ अच्छा नहीं है। ये चीज़ें चेन्नई के फेवर में जाता है। अगर पूरी तरह देखें तो दोनों ही टीम अच्छी है। दोनों टीम के फैंस चाहेंगे उनकी टीम मैच जीते। आशा करूंगा दोनों ही टीम अच्छा खेले। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।